यस वी कैन डू इट, लेट्स गो। हरी अप हरी अप। भाई ठंडी अभी से शुरू हो गई है। सीन ऐसा हुआ कि हम लोग बीच में रास्ता भटक गए थे, मैं अपने टीम से अलग हो गया था। हाय हेलो नमस्कार एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। सो आज अभी टाइम हो रहा है 1:15, हम जा रहे हैं हरिश्चंद्रगढ़ ट्रैक, फुल ऑफ एडवेंचर, फुल ऑफ एक्साइटिंग जर्नी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज़ के लिए। अभी हम लोग मालसेज घाट पे हैं, अभी लगभग यहाँ से कुछ टाइम के बाद हरिश्चंद्रगढ़ आ जाएगा। तो अभी हम लोग ऑन द वे हैं। अब पिछला जो लुक है भाई, एक नंबर लुक आ रहा है, एक नंबर। और हम लोग का प्लान है कि आज वो नाइट कैंप करेंगे वहाँ पे हरिश्चंद्र ट्रैक हरिश्चंद्र में। सो अभी तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आप लोग बने रहिए, फुल ऑफ एक्साइटिंग ब्लॉग होगा। एंड मेरे साथ है सनी, ही इज़ ऑल्सो ब्लॉगर। सो हम लोग साथ में, और साथ में कुछ और लोग भी है। ये बहुत अच्छा ब्लॉग्स बनाता है दोस्तों, इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसके चैनल को। और बहुत मेहनत लेता है, बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग आज बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, मतलब डेढ़ दो साल। एंड और एडवेंचर हम लोग करेंगे ऑन द वे है। अभी दोनों ब्लॉगर है भाई, पूरा एकदम खतरनाक ब्लॉग बनेगा आज। 1 hour later। सो गाइस सभी हम लोग पहुँच गए हैं खूबी फाटा। तो खूबी फाटा का जो साइन है वो है ये रास्ते से अंदर एक रास्ता गया लेफ्ट मार्क है। सो हम लोग यहाँ से आए और अभी यहाँ से अंदर लेफ्ट। सो ये साइन है खूबी फाटा का। यहाँ सबसे बड़ा साइन है कि यहाँ पे एक एंटीना रहेगा, बहुत बड़ा एक एंटीना है। सो ये साइन है आ गया खूबी फाटा, ठीक है। तो अभी निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। A few moments later. Hello guys, so हम लोग आ चुके हैं बेस पॉइंट पे और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 2:51 और हमको शाम इवनिंग का सनसेट देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सबसे मेन अट्रैक्शन है और हम लोग को उस सनसेट से पहले पहुंचना है टॉप पे। सो गाइस हम लोग का ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुका है, अभी हम लोग बेस पॉइंट पे है। तो अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। तो हरिश्चंद्रगढ़ कैसे आने का है वो आपको रोहित भाई बताएंगे अच्छे से। ओके हाय गाइस, खिरेश अब हम खिरेश्वर है, ये सेकेंड वाला रास्ता है। यहाँ से चढ़ने के लिए 3.5 घंटा लगता है हरिश्चंद्रगढ़ जाने के लिए। दूसरा रास्ता है पाचनई से, वो अकोले से आता है, वो चढ़ने के लिए 2 घंटा लगता है। और थर्ड रूट है नळीची वाट, वो मार्शल घाट के नीचे से है, वह उसको चढ़ने के लिए 8 से 10 घंटा लगता है। और फोर्थ वाला है माकड़नार। ये 4 रास्ते से आप हरिश्चंद्रगढ़ कोकनकड़ा आ सकते हैं। अभी हम जहाँ पे हैं उसका वो प्लेस का नाम क्या है? खिरेश्वर। खिरेश्वर से जा रहे हैं हम, यहाँ से हम अभी 3 घंटे में ऊपर जाएंगे हरिश्चंद्रगढ़। तो देखते हैं, सबसे मेन पॉइंट है सनसेट, हमको वो देखने का है। हाँ, वो देखने के लिए ही हरिश्चंद्रगढ़ कोकनकड़ा फेमस है। 6:08 को सनसेट होने वाला है। तो हमें यहाँ से 3 घंटा तो लगेगा, अभी 3 बजे है, 3 घंटे में पहुँचेंगे तो हमें मिलेगा सनसेट। ये सब हमारे साथ में ग्रुप है हमारा, वो ट्रैक का। अभी आते थे हमको एक भाई मिल गए, ही इज आल्सो ट्रैकर। सो
अच्छा हो गया हमको एक और ट्रेकर भाई कंपनी मिल गई साथ में, सो यार हमारे साथ ही रहेंगे। भाई सीन ऐसा है कि हम लोग अभी एंड पॉइंट पे आ चुके हैं, बस रह गया है थोड़ा सा पॉइंट जो कि हमें अभी और आगे चढ़ना है। भाई ठंडी अभी से शुरू हुई है, पता नहीं रात में क्या हालत होगा, बट फुल मज़ा आ रहा है। अब पीछे जो व्यू है पीछे का वो और ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है। 2000 years later. तो गाइस अभी अंदर आ चुका है और हम लोग आ गए हैं कोंकण करा। सीन ऐसा हुआ कि हम लोग बीच में रास्ता भटक गए थे, मैं अपने टीम से अलग हो गया था तो आने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, मैं रास्ता भटक गया था। मेरे साथ एक और था बंदा जो कि मुझे रास्ते में मिला था, मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था कि मुझे हमें एक नया बंदा मिला, तो वो मेरे साथ था तो थोड़ी सी मेरी हेल्प हो चुकी थी। बट फिलहाल अभी मैं पहुंच चुका हूं फाइनली, सनसेट तो मिस कर दिया, कोई बात नहीं, बट टीम के पास पहुंच चुका हूं सेफली।